स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल फिजिक्स हब में। तो पिछले लेक्चर में हमने लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों सेक्शन में जितने भी टॉपिक्स थे उनको कवर कर लिया। तो अब बारी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कि उनके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो हम सबसे पहले प्रीफर करेंगे NCERT को। NCERT के जितने भी क्वेश्चन हैं अनसोल्व क्वेश्चन, सोल्व क्वेश्चन तो है ही, अनसोल्व जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम सोल्व करेंगे। तो हम जितने भी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे वो किस पेज नंबर पर है, कौन सा क्वेश्चन है, उसके साथ सोल्व करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। पेज नंबर 168 का पहला क्वेश्चन जो है वो दिया है कि डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। हमने लेक्चर्स में पढ़ा था कि प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट होता है जिस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे, प्रिंसिपल फोकस बोलते थे। तो अगर ये कॉनकेव मिरर हो गया तो इसका प्रिंसिपल फोकस क्या होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती हैं वो पॉइंट होता है कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस। तो ये हुआ पहले क्वेश्चन का आंसर, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर वेयर रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को बोलेंगे कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस। तो हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। अगर किसी मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 मीटर दिया हुआ है तो हमें सबसे पहली बात की पता लगाना है कि वो स्फेरिकल मिरर है कौन सा। तो यहाँ पे हम साइन देखेंगे कि साइन क्या दिया हुआ है, साइन है +20, निगेटिव साइन नहीं है, इसका मतलब कि वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होता है, तो जब फोकल लेंथ पॉजिटिव तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी पॉजिटिव आएगा। तो ये सबसे पहली बात कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ओके। इसके बाद दूसरी बात ये कि इसका फोकल लेंथ हमें बताना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में हमने रिलेशन पढ़ा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ के डबल होता है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था वहाँ पे। फोकल लेंथ बोले या डिस्टेंस ऑफ फोकस बोले वो दोनों सेम ही है। तो एफ इक्वल टू क्या आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर, 20 अपॉन 2, ये 10 सेंटीमीटर इसका आ गया फोकल लेंथ, ये हुआ हमारा आंसर, ओके। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है, नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इरेक्ट इमेज हमें कहाँ मिलता है, इनलार्ज की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि किस किस केस में इरेक्ट इमेज मिलता है। तो अगर प्लेन मिरर देखा जाए तो इरेक्ट इमेज मिल सकता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे इनलार्ज नहीं मिलता है, सेम साइज का इमेज मिलता है। इसके बाद दूसरा जो है स्फेरिकल मिरर में, पहला जो है वो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में एक केस है जहाँ पे इरेक्ट इमेज मिलता है, कब, जब ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में होता है तब इरेक्ट इमेज मिलता है, बाकी हर केस में इन्वर्टेड इमेज मिलता है। और जो तीसरा केस है वो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में हर केस में इरेक्ट मिलेगा लेकिन डिमिनिश्ड मिलता है, छोटा मिलता है। तो इन तीन केस को देखकर हमें यही पता लगता है कि वो मिरर जब भी होगा वो कॉनकेव मिरर होगा, क्योंकि केवल कॉनकेव मिरर ही ऐसा मिरर है जिसमें इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बने। तो वो आंसर जो होगा हमारा वो कॉनकेव मिरर होगा, और वो कौन सी कंडीशन होगी, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा, ओके। तो इतनी बात क्लियर है कि अगर किसी स्फेरिकल मिरर से हमें इरेक्ट और इनलार्ज इमेज लेना है तो वो मिरर जो है वो हमेशा ही कॉनकेव मिरर होगा, क्योंकि उसी में इस केस में जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो तो इरेक्ट इमेज भी बनता है, सीधा मतलब भी बनता है, और लार्ज भी बनता है ऑब्जेक्ट से, भले ही वो वर्चुअल होती है वो बात अलग है, लेकिन इरेक्ट होता है और इनलार्ज होता है। तो अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी प्रीफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। मतलब कि गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर लगा होता है पीछे के साइड ऐसे,
उसमें हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको विजुअलाइज करके दिखाते हैं कि आखिर क्यों कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है रियर व्यू में, कॉनकेव को क्यों नहीं किया जाता है। तो हम दोनों मिरर को एक साथ बनाते हैं ताकि आपको रिलेट करने में आसानी होगी। सबसे पहला जो इसमें रीजन है वो है इसका फील्ड ऑफ व्यू, कि दोनों मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा होता है बजाय कि इसके, कि अगर कॉनकेव मिरर जब भी देखेगा तो इतनी दूर की ही वस्तुओं को देख सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट इन इसके बीच में हो, इसके पर्चर के बीच में हो, तभी वो देख सकता है। लेकिन वही अगर कॉन्वेक्स मिरर हो तो इसमें ब्रॉड एंगल मिलता है हमें देखने के लिए। दूसरा जो कारण है वो ये है कि इसमें हमेशा जो इमेज बनती है वो इरेक्ट इमेज होती है, मतलब कि वो सीधी इमेज होती है। अगर गाड़ी आ रही है पीछे से तो वो सीधा ही दिखता है इस इमेज में। लेकिन इस केस में क्या है, कॉनकेव मिरर के केस में क्या है, यहाँ पे एक स्पेशल केस होगा तभी सीधा इमेज बनेगा। कब? जब पोल और फोकस के बीच में हो तब, अदरवाइज किसी भी पोजिशन पर ऑब्जेक्ट हो तो उसका उल्टा ही इमेज बनेगा। गाड़ी सीधा आ रही है, उल्टी हुई दिखेगी। कि अगर गाड़ी ऐसे चल के आ रही है तो उसका इमेज इस तरह से बनेगा। लेकिन यही बात अगर कॉन्वेक्स मिरर लगा हो तो अगर गाड़ी सीधा आ रही है तो इमेज भी उसका सीधा ही दिखेगा, इरेक्ट ही दिखेगा। तीसरी बात है इसमें छोटा दिखता है, कि अगर बड़ी गाड़ी हो तो भी इस छोटे से पॉइंट में दिख जाएगा। इसमें हमेशा जो इमेज बनता है वो डिमिनिश्ड बनता है। इसमें क्या है कि इनलार्ज, मतलब कि इसमें ऐसा पॉसिबल है कि अगर पीछे से ऑल्टो 800 आ रही हो तो हमें ट्रक भी दिखाई दे सकता है। उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे है, कभी वो बड़ा दिखाई देगा, कभी छोटा दिखाई देगा। लेकिन इसमें क्या है कि जब भी वो दिखाई देगा उसके रियल साइज से छोटा ही दिखाई देगा। तो इसमें एक साथ ज़्यादा ट्रैफिक को कवर कर सकते हैं, मतलब कि बहुत सारी गाड़ियों को एक साथ देख सकते हैं। ऐसा इस केस में पॉसिबल नहीं है, है पॉसिबल लेकिन बस एक केस में है, हर केस में नहीं है। तो आप अपने वर्ड्स में इसके आंसर लिख लेंगे। इतना क्लियर हुआ? तो अब हम बात करेंगे इन क्वेश्चंस के अगले पैटर्न पर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर का। तो अगर वो मिरर कॉन्वेक्स है मतलब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा। तो हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, ये होगा पॉजिटिव। ठीक है, इसका फोकल लेंथ हमें निकालना है। वही फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, आर इक्वल टू फोकल लेंथ इंटू 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का दो गुना होता है। ठीक है, यहाँ से फोकल लेंथ का हमें क्या मिलेगा फॉर्मूला, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 32 अपॉन 2, यहाँ से आएगा 16, मतलब कि प्लस 16 सेंटीमीटर। तो वो जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका जो रेडियस फोकल लेंथ जो होगा वो 16 सेंटीमीटर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन जो है पेज नंबर 171 क्वेश्चन नंबर 2, वो ये बोलता है कि कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक कॉनकेव मिरर है वो रियल और इनलार्ज इमेज बना रहा है, रियल है और इनलार्ज है। सबसे पहले क्वेश्चन से जो की पॉइंट मिलते हैं उन्हें हम नोट डाउन कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया। इस क्वेश्चन में पहला की पॉइंट हमें मिला कि जो मिरर है वो कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है, मतलब कि इनलार्ज, वो 3 times इनलार्ज बोला गया ना, तो जो मैग्नीफिकेशन है वो प्लस 3 है। ओके, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है यू, वो दी है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो हमें निकालना है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मतलब कि इमेज की पोजीशन क्या होगी। तो अगर एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू हम लोग जानते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, इसके बराबर ही एक और फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ वी बाई यू, मतलब कि इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के रेशियो के निगेटिव। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है 3, 3 times वो इमेज बन रहा है इनलार्ज। और वी जो है हमें वो निकालना है, मतलब कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकालना है हमें।
ऑब्जेक्ट का पोजीशन छोड़ देते हैं इसको वी लिख के, और इमेज का पोजीशन दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से वी क्या निकलेगा हमारा, यहाँ से वी जो होगा वो 3 × 10 होगा, और माइनस साइन के साथ, ये माइनस इसका इधर जाएगा, यहाँ से वी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो 30 सेंटीमीटर के दूरी पे होगा। अब माइनस साइन है मतलब कि मिरर के सामने ये होगा। तो किसी भी नमेरिकल को सोल्व करने के लिए बस उसमें जो नमेरिकल्स डाटा है वो रिटन फॉर्म में दिया होता है, अगर उसे आप अच्छे से समझ गए तो सारे नमेरिकल्स आसानी से सोल्व हो जाएंगे आपसे। हमारा अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 176 पर, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको वाई लिखा हुआ जस्टिफाई भी करना है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक लाइट की रे है वो एयर से वाटर में जा रही है, ठीक, तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या नॉर्मल से दूर मुड़ेगी, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है, और मुड़ेगी तो क्यों मुड़ेगी, ठीक है। सबसे पहली बात कि अगर लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो ऑब्लिकली गई है, मुड़ रही है, ठीक है। क्यों क्यों मुड़ रही है, क्योंकि उसके स्पीड में चेंज आएगा। एयर में लाइट की स्पीड कुछ और थी, लेकिन जैसे ही वो वाटर में इंटर करेगी तो उसकी स्पीड कुछ और हो जाएगी, उसके चलते उसमें रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन किधर होगा, वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में गई है। तो जब ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में कोई लाइट की रे जाती है तो हमें पता है कि वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। ये रेयरर है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है वो लाइट की रे, ठीक है, इतना तो हमें पता है। तो इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करने के लायक क्या था, ऑब्जर्व करने वाली जो सबसे पहली बात थी वो ये थी कि उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटर्स ऑब्लिकली, ये नहीं लिखा हुआ कि नॉर्मल। अगर ये ऑब्लिकली नहीं लिखा होता तो हम इमेजिन कर सकते थे कि वो सीधा भी आ सकता है, तो अनडेविएटेड चला जाता, रिफ्रैक्शन होता लेकिन वो अनडेविएटेड चला जाता। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ऑब्लिकली इंटर कर रहा है, ऑब्लिकली इंटर कर रहा है तब उसके अंदर रिफ्रैक्शन होगा, तब वो मुड़ेगी लाइट। तो अब किधर मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर, ये हमारा था क्वेश्चन, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.05। मतलब कि लाइट जो है वो हवा से ग्लास में जा रही है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें दिया हुआ 1.50, ओके। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ कि लाइट जो है वो एयर से ग्लास में जा रही है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ है वो है 1.50, ओके। लाइट की स्पीड दी हुई है किस में, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वो क्या दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स 1, इतना दिया हुआ है, ठीक। अब पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये हमें बताना है कि ये क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम में जा रही है उस मीडियम में स्पीड की, लाइट की स्पीड क्या है और एयर में लाइट की स्पीड क्या है, उसके रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.5, एयर में दिया हुआ स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे हमें निकालना है वी इन ग्लास, तो वी ग्लास क्या आएगा, तो बस सिंपल सा ये 1.5 यहाँ चला जाएगा, वी ग्लास ऊपर आ जाएगा, 3 × 10⁸ को 1.5 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। आंसर ऑलमोस्ट आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3। इसमें एक टेबल है, आप देख सकते हैं इस टेबल को, कि फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। जो टेबल नंबर 10.3 है वो आपके व्हाइट बोर्ड पर शो कर रहा है, और हमें इस टेबल को ऑब्जर्व करके बताना है कि किस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है, किस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी लो है, ओके। तो हमें पता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब कि किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ही ज़्यादा है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक। तो इस हिसाब से इस टेबल में हम क्या देख सकते हैं
स्टेबल में देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का है 2.42। इस हिसाब से डायमंड जो हुआ वो ऑप्टिकली डेंसर हुआ, मतलब सबसे ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर हुआ, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। और एयर जो है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.0003, मतलब कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे लोएस्ट है, इसलिए इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी जो है वो सबसे लोएस्ट होगी। तो बस सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ऑप्टिकल डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज़्यादा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ही ज़्यादा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि यू आर गिवन किरोसिन, टारपिन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, कि इन तीनों में से किस में लाइट सबसे ज़्यादा तेज चलेगी। यूज़ द इंफॉर्मेशन इन गिवन टेबल 10.3। इसी टेबल में हमें बात करना है फिर से। इस टेबल में किरोसिन, वाटर और टारपिन ऑयल दिया हुआ है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि किसमें लाइट सबसे तेज चलेगी। अगला क्वेश्चन क्या था, उसमें ऑप्टिकल डेंसिटी पूछी जा रही थी, इसमें पूछी जा रही कि स्पीड किसमें ज़्यादा होगी। तो स्पीड उसी में ज़्यादा होगी जिसमें ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी, मतलब कि जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी, जो कम डेंस होगा, स्पीड उसी में ज़्यादा होगी। जिसमें खुद ऑलरेडी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है उसमें स्पीड ऑफ लाइट तो धीमी हो जाएगी। इन तीनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता चल गई उस टेबल से। तो अब बताना है कि किसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होगी। तो जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबसे कम, और उसी में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा। समझ में आई बात? इस हिसाब से वाटर जो है उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। सिंपल सा दिया हुआ कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 है, उसका मतलब हमें बताना है कि अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 2.42 तो इसका मतलब क्या हुआ। कि अगर कोई बोल दे कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, इसके कहने का मतलब क्या है। इसके कहने का सिंपल सा मतलब यह है इस स्टेटमेंट का, कि लाइट की रे जब भी डायमंड के अंदर इंटर करेगी, मतलब एयर से डायमंड के अंदर जाएगी, तो उस रे की जो स्पीड है उसमें चेंज आएगा, 2.42 टाइम्स से डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आई बात? कि लाइट की स्पीड मान लो अभी 1 है, ठीक है, 1 से चल रही है, ये इमेजिन कर रहे हैं हम लोग कि 1 के स्पीड से चल रही है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो जैसे ही डायमंड में गई वो 1/2.42 के स्पीड से चलना शुरू कर देगी। तो हम आपको इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन देते हैं, तब आपको अच्छे से विजुअल होगा कि आखिर ये 2.42 होता क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है लाइट के स्पीड पे। तो हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। नॉर्मल वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या हम बोल सकते हैं 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड बोले या 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड बोले, ये स्पीड क्या है। यह स्पीड है एयर में बोल सकते हैं या फिर वैक्यूम में बोल सकते हैं, वो ऑलमोस्ट वो थोड़े से का अंतर होता है, लेकिन चलिए ठीक है बोलते हैं कि वो एयर में है। ठीक, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 के मीडियम में वो इंटर करेगी, मतलब कि अगर वो डायमंड में इंटर करेगी, तो उसके स्पीड में कितना चेंज आएगा। उसके स्पीड में चेंज आएगा वी एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इतने से कम हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, n=V air upon V diamond होगा। डायमंड के केस में V air upon V diamond, तो डायमंड में जो स्पीड होगी V इन डायमंड, तो वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम इसको आगे प्रोसीड करें तो हमें क्या मिलेगा, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 2.42। तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा 123,966.94 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब एयर में थी तो इसकी स्पीड थी 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, जैसे ही वो डायमंड के अंदर इंटर की लाइट की रे, उसकी स्पीड हो गई 1,23,966। कहाँ 300,000 था, कहाँ 1,23,000 पे आ गया। तो इस जो स्पीड में कमी आई है,
3 लाख से 1,23,000 पे आना, वही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इफेक्ट। कि अगर कोई बोले कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, तो उसके कहने का मतलब ये है कि जब लाइट की रे डायमंड में इंटर कर रही है तो लाइट के स्पीड में 2.42 के फैक्टर से डिक्रीमेंट आएगा। तो अगले सेक्शन में पहला क्वेश्चन ये है कि डिफाइन 1 डाइऑप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस, कि मतलब अगर किसी भी लेंस का पावर 1 डाइऑप्टर है तो क्या होता है, 1 डाइऑप्टर क्या होता है। तो 1 डाइऑप्टर पावर ऑफ लेंस ये होता है कि अगर किसी स्फेरिकल लेंस का, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर हो, तो उस लेंस का पावर जो होगा वो 1 डाइऑप्टर होगा। समझ में आई बात कि अगर हम एक ऐसा लेंस ले लें जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो, तो हम बोल सकते हैं कि उसका पावर जो है वो 1 डाइऑप्टर के बराबर होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है, ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, वेयर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। इस क्वेश्चन में 3 बातें बोली गई हैं। पहली बात कि वो रियल है, इन्वर्टेड है, और तीसरी बात जो बोली गई है वो ये बोली है कि इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। तो कॉन्वेक्स लेंस में एक ही कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट की साइज इमेज की साइज के बराबर होती है, वो कंडीशन कौन सी है, जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर पर हो, मतलब कि 2f2 पर हो। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस के नाम सुनते ही हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि इसका फोकल लेंथ जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। दिया हुआ कितना, 50 सेंटीमीटर। इससे हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, इससे हम फोकल लेंथ क्या मिलेगा हमें, एफ जो है वो 25 सेंटीमीटर मिलेगा हमें। इतना तो क्लियर है। अब हमें निकालना क्या है, यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा है ना कि ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे, तो यू कैसे निकलेगा। यू निकालने के लिए हम लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f, ये होता है हमारा फार्मूला। या फिर हम 1/u को इधर ला देते हैं, अगर 1/u को इस साइड लाएंगे तो 1/u = क्या हो जाएगा, 1/v - 1/f। इतना क्लियर है। तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जब पुट करेंगे तो 1/u किसके बराबर आएगा, 1/50 इमेज का डिस्टेंस, ठीक है, माइनस ऑफ 1/ फोकल लेंथ, ठीक। इसका एलसीएम ले लेते हैं 50, 1 - 2, तो 1/u आ जाएगा हमारा 1/50, तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी हमें -of 50, ठीक है, इतना मिला हमें। -of 50 मिलेगा मतलब क्या है, आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि -of 50 मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड में है 50 सेंटीमीटर की दूरी पे। कैसे निकला, लेंस फार्मूला से, ठीक। v दिया हुआ है इसमें, u हमने निकाल लिया। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, m = v/u, 50/51 वेरीफाई हो गया, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज की साइज है, ये वेरीफाई हो गया। अब इसमें निकालना क्या है, पावर ऑफ लेंस, कि इस लेंस का पावर कैसे निकलेगा। तो हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इसके बाद निकालते हैं। फोकल लेंथ हमें पता है 25 सेंटीमीटर, पावर क्या होता है, power = 1/focal length होता है। लेकिन इसको प्रोसीड करने से पहले हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। ये ध्यान रखिएगा कि पावर जो है वो m·1 है, m·1 उसका साइन होता है, सेंटीमीटर किलोमीटर नहीं, m·1। तो जब भी हम डायरेक्टर निकालेंगे वो m·1 में निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 25 को चेंज कर लेंगे मीटर में, 25 सेंटीमीटर = क्या होगा, 0.25 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू ला कर रख देंगे हम, तो power = 1/ तो यहाँ से पावर हमें क्या मिलेगा, 1/0.25 मीटर, ये हो जाएगा हमारा 4 डाइऑप्टर, ठीक है, समझ में आया। ऐसे ये हो जाएगा +4 डाइऑप्टर, ओके। तो अगर किसी लेंस का
फोकल लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर है, अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका पावर जो है वो +4 डायोप्टर का होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस हुज फोकल लेंथ इज 2 मीटर। सबसे पहली बात, ये कॉनकेव लेंस है, इसका फोकल लेंथ क्या होगा? लेफ्ट साइड में निगेटिव, इसका फोकल लेंथ क्या होगा? वो निगेटिव होगा। ओके, अब निगेटिव है इतना तो हमें पता लग गया। दिया कितना है? ये फोकल लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर, मतलब कि -2 मीटर। इसका हमें निकालना है पावर। पावर इक्वल टू होता है 1/f, ये हमें पता है। इसके लिए हम प्रोसीड करते हैं, सबसे पहले मीटर में चेंज करते हैं, मीटर में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 मीटर। ये कितना आ जाएगा? -0.5 डायोप्टर। अगर किसी कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ 2 मीटर है तो उसका पावर जो है का वो 0.5 डायोप्टर के बराबर होगा। तो इस लेक्चर में हमने चैप्टर्स के बीच में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए थे उन सबको कवर कर लिया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, जो 15-17 क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।